नमस्कार, मैं हूं सोएब म्यानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे आसिक को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया है जो खुद की शादी के लिए कांदिवली के मशहूर जैन स्वीट्स से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। आइए देखते हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल के क्राइम रिपोर्टर इंद्रदेव पांडे को जानकारी देते हुए कांदिवली पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक सूर्यकांत पवार का ये बयान। सर, मिर्जापुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है? कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर जैन स्वीट्स नामक एक मिठाई की दुकान है। उस दुकान के मालिक श्री प्रदीप जैन, इन्होंने 27 दिसंबर 2021 को कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लॉन्च किया कि उनकी दुकान में काम करने वाला एक स्टाफ रोहित मिश्रा नामक लड़के को 3,40,000 रुपये बैंक में जमा करने को दिए हुए थे। तकरीबन 12 बजे तक जब तक वो स्टाफ दुकान में वापस नहीं लौटा तो उन्हें शक हो गया कि ये लड़का पैसे लेके भाग गया है। उस लड़के की तहकीकात में, उसकी छानबीन में हमें पता लगा कि उस लड़के की हाल ही में शादी होने वाली है, शादी तय हुई है और वो शादी करने के लिए मिर्ज़ापुर जाने वाला है। उस इंफॉर्मेशन पे मैं, मेरी टीम मिर्ज़ापुर में अरोही तहसील से एक गांव से उसको दर दबोचा गया और मुंबई लाया गया है। उससे अभी तक तकरीबन 2,20,000 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हुए है। आगे की तहकीकात शुरू है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी का फिलहाल अभी तक कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। उसके शादी के लिए उसके पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने ये क्राइम किया है। सुनने में आ रहा है कि वो शादी के अलावा घर भी बना रहा था उसी पैसे से। हाँ, उसकी तहकीकात चालू है। अभी तक वो 21 तारीख तक हमारी पुलिस कस्टडी में है।